जा रहे हैं उज्जैन, और काफ़ी भीड़ होने के बाद हमारी ट्रेन को बहुत ज़्यादा वेटिंग मिल रहा है, बट ठीक है, हम जाएंगे, किसी भी तरह से जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दिल्ली से स्टेशन पहुँच के। बाय। तो फाइनली रेलवे स्टेशन आने वाला है और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ महाकाल जी का दर्शन करने के लिए। बस कुछ ही मिनटों में मुझे दर्शन। हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं सीता नदी में। ही जाते टाइम का रास्ता है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है, लेकिन जब आप रात में आएंगे ना तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है। इस पवित्र तीर्थ स्थान को अन्य सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह तीर्थ स्थान प्रसिद्ध इंदौर शहर से 56 किलोमीटर की दूरी पर। अब हम सिप्रा नदी से होने के बाद अब हम जा रहे हैं महाकाल जी के दर्शन के लिए। अब मैं दर्शन के लिए निकल गई हूँ महाकाल जी के दर्शन के लिए, तो मैं सोची कि मैं एक टीका लगवा लेती हूँ। ये भैया बहुत ही सुंदर टीका लगा रहे हैं, तो मैं भी इनसे टीका लगवाऊंगी और देखती हूँ मैं कैसी लगती हूँ। मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ, तो फिर देखती हूँ, ज़्यादा भीड़ तो दिख नहीं रहा है, शायद जल्दी से दर्शन हो जाए। ओके, फिर चलती हूँ, लेकिन हाँ, मंदिर में फ़ोन लेकर जाना अलाउ नहीं है। गाइज, आप देख सकते हैं कि रात में महाकाल जी का व्यू कितना ही प्यारा दिख रहा है, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आप भी ज़रूर आइएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे। अरे लो ना, हेलो।